आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी यह कहानी बेहद दिलचस्प है क्योंकि यह कहानी हमारे लिए भी एक ऐसी पहेली बन गई जिसे हम जितना सुलझाते रहे उतना ही उलझते चले गए। ये कहानी जुड़ी है देश के घने जंगल से, एक अद्भुत देवधाम से, द्वापर युग की एक अद्भुत कथा से और भगवान श्री कृष्ण से। माना जाता है कि युगों पुराना वचन निभाने वहां भगवान कृष्ण आज भी आते हैं, अलग अलग भेष में, अलग अलग रूप में। दावा होता है कि 24 घंटे के अंतराल में वहां कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। इस कहानी को सुनकर हम भी उस देवधाम तक पहुंचे, 24 घंटे तक लगातार पड़ताल करते रहे, बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घटी, लेकिन हम उन्हें चमत्कार नहीं मान रहे थे। मगर जाते जाते हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर होश उड़ गए। कभी मोरपंख, कभी तुलसी की माला, कभी बांसुरी की आवाज, कभी रहस्यमय साधु की मौजूदगी, कुछ तो होता है वहां हर रोज, न जाने किस रूप में, न जाने किस भेष में, कुछ ऐसा जो द्वापर युग से कलयुग तक चला आ रहा है। क्या भैया, यहाँ पे बहुत सारे मोरपंख गिरे हुए हैं। क्या हुआ? मोरपंख गिरे हुए। सर, गुफा के अंदर से कुछ आवाज आ रही है सर, बांसुरी जैसी गुफा के अंदर से आवाज आ रही है सर। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, युगों पुराने एक वचन की और एक चौंका देने वाले दावे की कि वहां दिन में एक बार खुद भगवान आते हैं, कभी इंसान तो कभी जानवर के भेष में, कभी हवा के झोंके तो कभी संत के रूप में। इस कहानी में भगवान त्रेता युग में एक वादा करते हैं, उसे निभाते हैं द्वापर युग में और कहते हैं कि आज हजारों वर्षों बाद भी इस कलयुग में उसके साक्ष्य, उसके प्रमाण मौजूद है। आज तलाशते हैं वो धरती जहां द्वापर युग की एक अद्भुत कथा लिखी गई। ढूंढते हैं उन जंगलों में जहां चमत्कार के सैकड़ों चश्मदीद हैं। आज सुनते हैं वो आंखों देखी जो सोच समझ वालों को भी लाजवाब कर देगी। कई आवाज आते हैं, ऐसा ऐसा सोता है कि श्री कृष्ण भगवान आज भी गुफा में है। जाने के बाद वहाँ कुछ ना कुछ साक्ष्य मिल जाता है और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी अंदर में है। देश के सबसे घने जंगल में कुछ पथरीले रास्तों से होकर, उन वीरान रास्तों की भूल भुलैया से गुजर कर आज पता लगाते हैं उस देवलोक का जिसकी कहानियां पुराणों में लिखी गई, ग्रंथों में कही गई, लेकिन कैमरे पर इससे पहले कभी नहीं दिखाई गई। कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें देखकर भी यकीन कर पाना मुश्किल था, जिन्हें समझ कर भी समझ पाना नामुमकिन था। इस कहानी का सीधा रिश्ता है द्वापर युग की एक दिलचस्प कथा से। पुराणों के मुताबिक यह वही देवधाम है जहां भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था और अपना एक युगों पुराना वचन निभाने भगवान कृष्ण आज भी वहां आते हैं। उस देवधाम में सदियों से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, कभी सैकड़ों मोर आ जाते हैं, कभी पूरे जंगल में बांसुरी की आवाज गूंजती है, कभी पौराणिक काल के वस्त्र मिलते हैं, तो कभी एक रहस्यमयी गाय दिखती है। लोग मानते हैं कि ये सब भगवान की मौजूदगी का संकेत है क्योंकि भगवान
अलग अलग भेष में वहां मौजूद होते हैं। शुरुआत में हमें भी ये सब कुछ किस्से कहानियां ही लगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। क्या वाकई उस गुफा में आज भी भगवान कृष्ण आते हैं? अगर आते हैं तो किसी इंसान को दिखते क्यों नहीं? अगर भगवान के आने का दावा झूठा है तो वो पैरों के निशान किसके? उस गुफा में निकलने वाली आवाजों का रहस्य क्या है? वहां रहने वाले आदिवासियों को बांसुरी की धुन क्यों सुनाई देती? वो साया किसका है जिसके देखे जाने की बात हर कोई करता है? अगर ये सब चमत्कार है तो आदिवासियों के मुताबिक वो गुफा चमत्कारों का खजाना है जिसे कलयुग में आज तक किसी ने नहीं देखा। इस कहानी में भगवान अपने ससुर से त्रेता युग में एक वादा करते हैं, उसे निभाते हैं द्वापर युग में और कहते हैं कि आज हजारों वर्षों बाद भी इस कलयुग में उसके साक्ष्य, उसके प्रमाण मौजूद है। नमस्कार, मैं आदित्य राय आज आपको रूबरू कराऊंगा भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे अनोखे ससुराल से जो न तो किसी बड़े से राज्य के राजमहल में है और न ही मथुरा, गोकुल या वृंदावन की किसी बड़ी सी हवेली में, बल्कि आज भी हजारों वर्षों बाद इस कलयुग में भगवान का वो ससुराल मौजूद है, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में छिपी हुई एक गुफा में। यही नहीं तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हर वर्ष पुरुषोत्तम मास के दौरान अपने ससुराल में आते हैं और आज भी उनका आभास किसी न किसी रूप में, उनका अनुभव वहाँ पर होता है। भगवान श्री कृष्ण के ससुराल से जुड़ी हुई यह कहानी तो बहुत रोचक और मज़ेदार है, लेकिन इस कहानी तक, भगवान श्री कृष्ण के ससुराल तक आपको पहुँचाने के लिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इस बीहड़ जंगल में, नक्सलियों के इस गढ़ में हमें कई खतरों और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चमत्कार के इस दावे की पड़ताल के लिए हम छत्तीसगढ़ रवाना हो गए। हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर नक्सलियों का गढ़ बीजापुर। दंडकारण्य के जंगलों में वो गुफा किस कोने में मिलेगी ये हमें नहीं पता था, लेकिन आदिवासी उसे सकल नारायण गुफा के नाम से पुकारते हैं जो बीजापुर से 70 किलोमीटर दूर है। रात होने में अभी वक्त था, तब तक इस रहस्यमय गुफा के अंदर जाने से हम खुद को रोक नहीं पाए। दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में कई मुश्किलों और दिक्कतों को पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के इस अनोखे ससुराल, इस सकल नारायण की गुफा में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और देवी जामवंती का विवाह सकल नारायण की इसी गुफा में हुआ था और आज भी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप इस सकल नारायण की गुफा में मौजूद है। इतना ही नहीं तो इस पुरुषोत्तम मास में हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और पूरे महीने तक यहाँ वास करते हैं। गुफा अंदर से काफी बड़ी और ऊंची थी। हैरत इस बात की थी कि घुप अंधेरे में दिए टिमटिमा रहे थे। इस सुनसान गुफा में दिए कौन जला सकता है? हम खुद उस जगह पर काफी देर से थे, रास्ते में भी हमें कोई नहीं मिला, फिर ये दिए यहां कहां से पहुंचे? खैर, हमें कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशना था। अब यहां से वापस निकलना ही मुनासिब था। वैसे भी हमें गुफा की बनावट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हम तो उस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने आए थे जिसमें इस गुफा में श्री कृष्ण के आने का दावा किया जाता है। कहते हैं वो कभी पशु बनकर आते हैं तो कभी पक्षी के रूप में आते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने के दावे की पड़ताल करने के लिए हमें आज रात यहीं पर रुकना होगा, लेकिन गुफा में चारों तरफ से पानी रिस रहा है जिसकी वजह से कहीं पर जमीन पर कीचड़ जमा हुआ है तो कहीं पर जमीन बिल्कुल चिपचिपी है, सीढ़ियों पर भी नमी जमी हुई है और गुफा में अंदर काफ़ी सफोकेशन भी हो रहा है और हजारों चमगादड़ों की ये मौजूदगी काफ़ी डरावनी है जिसकी वजह से इस गुफा में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम रात गुजार सकें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने के दावे की पड़ताल करने के लिए अब हम गुफा के बाहर ही हमारा डेरा जमाएंगे और वहीं से देखेंगे कि क्या सही में भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में आज भी इस गुफा में आते हैं। रात में इस सुनसान जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं था। सवाल कई थे और आज की रात उन सभी सवालों के जवाब तलाशने थे। क्या आज भी श्री कृष्ण इस गुफा में आएंगे? अगर आएंगे तो क्या हमें दिखेंगे? क्या हमें भी वो बांसुरी की धुन सुनाई देगी? पूरा दिन बीत चुका था, हमें अब तक इस देवधाम में चमत्कार जैसा कुछ नहीं दिखा था, लेकिन आदिवासी अब भी शिद्दत से दावा कर रहे थे 24 घंटे के अंतराल में भगवान के दर्शन जरूर होंगे। हमसे गुजारिश की जा रही थी कि हम अगली सुबह तक इंतजार करें, अपना कैमरा लगातार ऑन रखें, क्योंकि जो सदियों से होता आया है वो आज भी जरूर होगा। हमने आदिवासियों को बहुत समझाया, ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि शायद ये कहानियां सिर्फ कही सुनी बातें हैं, लेकिन आदिवासी हमारी कोई बात सुनने पर राजी नहीं थे। लोगों की जिद देखकर हमने अगली सुबह तक वहां रुकने का फैसला किया और फिर जैसे हर सुनी सुनाई बात सच होती चली गई। आदिवासी लगातार इस बात की रट लगाए थे कि आज रात भी श्री कृष्ण उस गुफा में आएंगे, उनसे जुड़े सारे निशान भी दिखेंगे, लेकिन हमारा दिमाग एकदम चौकन्ना था। इस गुफा में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आदिवासी इतने भरोसे के साथ चमत्कार का दावा कर रहे थे। हमें उसी वजह की तलाश करनी थी। रात गहराने के साथ सुनसान जंगल में खतरा भी बढ़ता जा रहा था। दिन से लेकर रात हो गई और इस जंगल में चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। इस गुफा के द्वार पर पिछले 6 घंटे से हम लोग पहरा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई चहलकदमी या श्री कृष्ण के यहाँ होने का, श्री कृष्ण के यहाँ आने का किसी भी प्रकार का कोई भी आभास हमें नहीं हुआ है। काफी देर तक गुफा में छानबीन के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर थक हार कर हम बाहर निकल गए। आपस में बात करके हम आवाज की उस पहेली को सुलझाने में लगे थे, तभी हमारे साथ आया एक आदिवासी नौजवान जोर से चीखा, हम भाग कर उस जगह पर पहुंचे। पहुंचकर देखा कि वाकई जमीन पर चारों तरफ मोर पंख बिखरे पड़े थे। गुफा में अंदर जाते वक्त यहां कुछ नहीं था, जब बाहर निकले तो ये मोर पंख बिखरे हुए मिले। आदिवासियों के मुताबिक ये मोर पंख ही श्री कृष्ण की मौजूदगी की सबसे अचरज और आश्चर्य की बात है कि कुछ ही देर पहले मैं गुफा के सामने इस जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन उस वक्त इस ज़मीन पर मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक इस ज़मीन पर ये ढेर सारे मोरपंख आ जाते हैं। हमारे साथ जो स्थानीय युवक है, उस स्थानीय युवक को ये मोरपंख दिखे। जिस वक्त मेरे कैमरामैन को गुफा के अंदर से कोई आवाज़ आई और हम लोग गुफा के अंदर गए, गुफा के अंदर हमें कुछ नहीं मिला और तुरंत ही हम गुफा के बाहर आए। उसके बाद जब ये स्थानीय युवक यहाँ पर टहल रहा था, उस वक्त उसे ये मोरपंख दिखाई दिए। बहुत ही अचरज और आश्चर्य की बात है कि अचानक से गुफा के सामने इतने सारे मोरपंख कहाँ से आए।
गुफा के चमत्कार की पहेली उलझती जा रही थी। आदिवासी इसे श्री कृष्ण से जोड़कर देख रहे थे। ये बात सभी जानते हैं कि कृष्ण का मोर पंख से गहरा नाता रहा है, लेकिन इस घने जंगल में मोर पंख का मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस जंगल में बहुत सारे मोर थे, हो सकता है ये उन्हीं के पंख हों। वो मोर उस समय आए होंगे जब हम गुफा के अंदर थे। हमें इससे भी बड़े सबूत की तलाश थी, जिससे ये साबित हो सके कि इस गुफा में वाकई आज भी भगवान कृष्ण आते हैं। और इंतजार करते करते सुबह हो गई। कल दोपहर से हम लोग इसी तरीके से गुफा के बाहर बैठे हुए दिन से लेकर रात तक के सारे पहर हम लोग यहाँ देख चुके हैं, और आज फिर सूर्योदय हो गया है। कई प्रकार के आभास हमें हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने के किसी प्रकार के कोई पुख्ता सबूत, कोई पुख्ता प्रमाण हमें नहीं मिले। आइए एक बार फिर चलते हैं गुफा के अंदर और पड़ताल करते हैं कि कल हमने जो गुफा के अंदर सारी चीज़ें देखी थी वो उसी तरीके से है या उनमें कोई बदलाव हुआ है। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने रात में छोड़ा था। हमारी 24 घंटे की मेहनत बेकार होती दिख रही थी। हम वापस आने के बारे में सोच ही रहे थे कि हमारे साथ आया एक आदिवासी काफी जोर से चिल्लाया, आजा आजा, मिल रहा है, मिल रहा है। क्या है भगवान का? खड़ा क्या है? खड़ा खड़ा जाइए। हाँ ये खड़ा हुआ। हम लोगों ने रात में देखा था, जब गुफा में आते तब भी देखा था, यहाँ पर किसी प्रकार का खड़ा हुआ नहीं था। सुनिए, हमें अच्छी तरह याद है इस जगह पर कल दिन या रात में कोई खड़ाव नहीं थी। फिर ये कहां से आई, कैसे आई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस गुफा में भगवान श्री कृष्ण के आने की दावों की पड़ताल को रोककर हम लोग इस गुफा से निकल ही रहे थे कि अचानक ये खड़ाव हमें इस गुफा में दिखाई दी। कल दोपहर से हम लोग इस गुफा में और करीब 3 से 4 बार हम लोग इस गुफा का मुआयना कर चुके हैं। जिस जगह पर ये खड़ा हुआ है वहाँ का भी हमने मुआयना किया, लेकिन कल रात तक ये खड़ाऊ यहाँ पर नहीं थी। और इस गुफा में काफ़ी सारी जगहों पर इस खड़ाऊ से चलने के निशान बने हुए हैं। बमुश्किल रात में थोड़ी देर के लिए हमारी आँख लगी होगी, लेकिन रात में खड़ाऊ नहीं थी, और आज सुबह ये खड़ाऊ यहाँ पर कैसे आ गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। गुफा में कई जगह खड़ाऊ के निशान थे, मानो किसी ने रात में यहाँ जमकर चहलकदमी की हो। इस खड़ाऊ ने हमें बुरी तरह चौंका कर रख दिया था। खड़ाऊ को पीछे छोड़ अभी सीढ़ियों पर थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि एक और चीज ने हमें सकते में डाल दिया। गुफा की सीढ़ियों पर तुलसी की माला मिली। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी श्री कृष्ण की पूजा में इस्तेमाल की जाती है। एक माला टूटी हुई भी पड़ी थी। खड़ाऊ की तरह ये तुलसी की माला भी पिछली रात यहाँ नहीं थी। पहले हमें इस गुफा में लकड़ी की खड़ाऊ मिली, उसके बाद जब हमने इस गुफा का ठीक तरीके से मुआयना किया तो हमें सीढ़ियों पर ये तुलसी की माला मिली जिसपे ताज़ा चंदन या पीताम्बर लगा हुआ है। उसके साथ ही ये टूटी हुई मालाओं के कई मणि हमें इन सीढ़ियों पर मिले हैं। हमने हमारे कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कहीं भी ये माला मणि या लकड़ी के खड़ाऊ हमें उस रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमारे समझ से परे है, हमारी शक्ति से परे है कि यहाँ पर क्या कल रात सही में कोई आया था। गुफा के अंदर से निकली आवाज थके हुए दिमाग की उपज हो सकती है। बाहर बिखरे मोर पंख जंगल के किसी मोर के हो सकते हैं, लेकिन खड़ाऊ, पैरों के निशान और तुलसी की इस माला को क्या कहा जाए? इसको लेकर यही समझ में आया कि जंगल के सुनसान इलाकों में ऐसी गुफाएं साधुओं के लिए एक अच्छा ठिकाना होती हैं, जो दुनिया की नजरों से बचकर तप करते हैं। ये खड़ाऊ, तुलसी की माला और पैरों के निशान किसी गुप्त साधु के हो सकते हैं। ऐसे साधुओं को कोई नहीं देख पाता, लेकिन उनसे जुड़ी चीजें गुफाओं में अक्सर मिलती होंगी, जिन्हें आदिवासी भगवान कृष्ण से जोड़ते चले गए और बरसों से ऐसा करते करते चमत्कार की एक कहानी तैयार हो गई। रायपुर की इस हैरान कर देने वाली कहानी में आज के लिए बस इतना ही।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें होगा थोड़ा सच, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।